तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जी जमशेदपुर से खबर आ रही है, जुबली पार्क में अभी नए साल को लेकर भीड़ देखी जा रही है जी, इसको लेकर जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है कोविड जांच और कोविड को लेकर। जी ये कौन कौन से अधिकारी है जांच कर रहे हैं? जी देखिए मनोज जी, आपको बता दें जमशेदपुर के आज जुबली पार्क में जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी और वहां पर जो भी लोग बिना मास्क में नजर आए हैं उन लोगों को मास्क पहनने को कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब थे और वहीं साक्षी जेमिसी के अधिकारी भी मौजूद थे और प्रशासन की भी टीम थी। लोगों को समझाया जा रहा है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और कोई भी लोग अगर खाना बाहर खा रहे हैं तो बाहर में खाना ना खाए, पार्क में खाना नहीं खाए, पार्क घूमने के लिए है घूमे, ये सब लोगों को समझाया जा रहा था। कोविड का महामारी जो है अभी बढ़ रहा है, इसको देखते हुए आज अभियान चलाया गया है और आने वाले दिनों में और भी इसको अभियान तेज किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, जगह जगह कोरोना टेस्ट होगा और टेस्ट हो भी रहा है, मगर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों को समझाया जा रहा है मास्क पहने, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है, ये कहना है एडीएम साहब का और जेएमसी के अधिकारी का। जी मतलब भीड़ नहीं लगाने के लिए कहा जा रहा है? बिल्कुल भीड़ मार लगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और मास्क एकदम जरूरी है पहनना, मास्क पहने, यही सब बात लोगों को समझा रहे थे आज पार्क में घूम कर जिला प्रशासन की टीम। जी धन्यवाद जयपुर, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना नेट के। कोरोना जो है फिर से पैर पसार रहा है, खास करके ओमिक्रॉन। आप देखेंगे कि सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने किस तरह से जमशेदपुर की दिखाया, मौतों को स्थिति किस तरह से थी हम आप सभी जो लोग जानते हैं। और उस समय लोग जो है काफ़ी प्रशासन को मदद किए थे, लोग जितने भी कोरोना गाइडलाइंस है उसका फॉलो कर रहे थे, लोग काफ़ी कोऑपरेट किए थे। अभी फिर से ओमिक्रॉन की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है, लगातार लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है सजग रहना पड़ेगा। आने वाले जो फेस्टिवल हैं खास करके 31 दिसंबर और 1 जनवरी में लोग जो है सेलिब्रेट जरूर करें लेकिन कोविड गाइडलाइन के तहत ही करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं आए। और मेरा जमशेदपुर के वासियों से यही अनुरोध है कि जितना कम हो सके बाहर की चीज़ों को कम खाएं, घर में बनी हुई चीज़ों को खाएं। लोग जो है अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लोग घर में से बाहर आकर के जो भी खाना खा रहे हैं या घूम रहे हैं, खास करके जो खाना खा रहे हैं उनको मैं मना करूंगा क्योंकि खाने में पता नहीं किसके साथ क्या स्थिति है, कौन कोरोना लेकर के है। तो लोग घूमें, सेलिब्रेट करें त्यौहारों का, लेकिन मास्क पहन करके घूमें, अनावश्यक रूप से नहीं घूमें क्योंकि इंजॉय करने का हर जगह आप जगह हो सकता है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। लेकिन मैंने 25 तारीख से अभियान चला के रखा है, उसमें दो तीन अभियान है। एक तो पहले हम लोग कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, 5 टीम्स लगातार टेस्ट कर रही है, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जो इन्फोर्समेंट है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। और इसी को लेकर के आज हम जेनेसी और जुस्को के टीम और थाना के टीम मिल करके अभी हम लोग एक ग्राउंड पूरे चारों तरफ घूम करके सबको काउंसलिंग करा दिए, सबको समझा दिए। अगर यही स्थिति रहा तो फिर हम कोरोना विस्फोट होने से नहीं रोक सकते, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बता दिया है। और मास्क लगाने के लिए जरूरी है, सोशल डिस्टेंस, यहाँ खाना नहीं खाने के लिए कहा गया, आप घर में ले जाके खाइए, घूमिए, घूमने में कोई इतराज़ नहीं है, इनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया। अगर नहीं तो फिर कल को परेशानी होगी तो प्रशासन को अनावश्यक से रूप से आप छिकाकसी करेंगे, इसलिए उससे पहले ही आगाह किया गया है कि आप जो प्रशासन के द्वारा जो डायरेक्शन है इसका पालन करें। इसके अलावा कई जगह से होर्डिंग पोस्टर भी लग रहा है, कल तक वो लग जाएगा और हमारे दो तीन तीन गाड़ियों में हमेशा प्रचारित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, टेस्टिंग कराइए, टेस्टिंग में सहयोग करिए, इन सारी चीज़ों को लगातार हम लोग उसको अनाउंस कर रहे हैं और लगातार इसको इन्फोर्स करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग समझें और इस तरह से अनावश्यक रूप से कोरोना फैलाने से लोग रोकें। और इसको लेकर हम लोग जिसको से भी मदद मांगे थे, आज जिसको ने भी 15-20 टीम लगाया है और सभी टीम मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे इंसिडेंट कमांडर सब काम करेंगे और सब हम लोग उसमें भी लगातार करेंगे, पहले जो जगह पे ज़्यादा भीड़ होती है उस जगह पे हम लोग अटैक किए हैं, इसके बाद हम लोग बाज़ार पे भी लगेंगे, साक्षी बाज़ार में और
आपका मानगो बाज़ार में, आपका कदमा बाज़ार में, जुगसलाई में और जहाँ जहाँ बागबेड़ा वगैरह में जहाँ भी है, अब उस पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। चूँकि जिस रफ्तार से बाबा यार 13 केसेस आए हैं, कल हो सके और केसेस बढ़ेंगे और केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग इस चीज़ को गहराई से देखेंगे। थैंक यू।